मुखिया जी, इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। हिना साहब और उसामा साहब का घर वापसी हुआ है, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि अजय चौहान कहाँ गए, कल से लेकर आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। क्या कुछ कहिएगा इस घड़ी को लेकर? धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर्वप्रथम बड़े आदर के साथ जनजन के नेता, देश में एक अलग पहचान रखने वाले बड़े आदर के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और बिहार के भविष्य के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी का बड़ा सम्मान के साथ लोकप्रिय नेत्री आदरणीय हेना साहब और बिहार यूथ आइकॉन के रूप में बाबू श्यामा को सम्मान के साथ अपने घर में वापस करवाया है, इसके लिए दिल से अभिनंदन और उनका आभार प्रकट करते हैं। जिमी सेल्स में खरीदारी करें और पाएं महिंद्रा थार, रॉयल एनफील्ड बुलेट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी और 10,000 से 30,000 तक कैशबैक जीतने का मौका। ऑफर केवल छठ तक, जल्दी करें। साथ ही साथ हमारी शुभकामना है कि दोनों युवाओं के ताकत से और दोनों परिवार के परिवार के अभिभावक स्वरूप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय हेना साहब के ताकत से बिहार को बेहतर बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार, बिहार को व्यवस्थित बिहार, बिहार को कैसे आगे ले जाना है, बिहार को तरक्की के पथ पे कैसे ले जाया जाएगा, उस दिशा में मिलके काम करें और बिहार मेरा बेहतर बिहार बने, ये मेरी शुभकामना है। साथ ही साथ आपका एक और सवाल था कि कल से आज तक अजय चौहान कहाँ, तमाम लोग सवाल, स्वाभाविक है कि एक साधारण सिपाही के रूप में, मजबूत सिपाही के रूप में बड़ा वफादारी के साथ आदमी रहा है और है भी और रहेगा भी। कल का जो टाइम था वहाँ नहीं रहना आपका सवाल लाजिमा है, क्योंकि कल दो दिन से आज अस्वस्थ है, बुखार कल बहुत तेज थी और आज भी, चूंकि अब आप चौथे स्तंभ आप आ गए हैं तो बोलने की स्थिति में आदमी नहीं है, बावजूद चूंकि भिन्न भिन्न तरह का सवाल लोग कर रहे हैं, स्पष्ट समझ लीजिए वहाँ गए नहीं गए वो सेकेंडरी मामला है। हमारे नेता का सम्मान बढ़ा, हमारी नेता घर में वापिस हो गई, वो हमारी सुप्रीमो है। आदरणीय हेना साहब हम लोगों की सुप्रीमो है और हेना साहब जब उस घर में चली ही गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो उन्हीं के सिपाही हैं, तो एकदम स्वाभाविक है कि हम वहीं हैं, उनके साथ हैं और सख्ती से हैं, जितना शक्ति है उस परिवार के लिए। और वह परिवार अगर लालू जी के साथ है तो पूरा ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ हम जैसे सिपाही शहाबुद्दीन साहब के विचारों में आस्था रखते हुए हेना साहब और बाबू श्यामा के साथ ताकत के साथ खड़े हैं। माना जाए आप राजद के नेता हो गए, राजद के नेता नहीं, राजद के एक सिपाही के रूप में, जब मैडम थे उस समय भी थे, आज मैडम के घर भी वापसी हुई उस समय भी राजद के सिपाही के रूप में, नेता के रूप में आदरणीय हेना साहब और नेता के रूप में बाबू श्यामा राष्ट्रीय जनता दल के हैं। अच्छा मुखिया जी, दो वर्षों से आप हिना साहब के आवाज़ को मजबूती से उठा रहे थे, बहुत सारे आपने दावे भी किए थे कि ये चीज़ होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर देखा जाए तो अजय चौहान झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेके क्या कहिएगा? लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, आखिर वो दावे कहाँ गए अजय चौहान के? कल भी हम ये कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे, जैसे हमने शुरू में ही कहा बड़ा सम्मान के साथ, हमारे नेता का सम्मान मिला है, नेता का सम्मान बढ़ा, यही तो सम्मान हम लोग चाहते थे, जो चाहते थे वो चीज़ मिला है, यही तो बड़े आदर के साथ बिहार के भविष्य के रूप में तेजस्वी यादव जी ने जो सम्मान दिया, आप मीडिया के साथियों के सामने छोटे भाई के रूप में बाबू श्यामा को जो सम्मान दिया है, हम यही चाहते थे। वह सम्मान अगर उन्होंने दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उस सम्मान के दृष्टिकोण से हम यह देख रहे हैं कि आने वाला संवैधानिक ताकत भी उस परिवार को मिले, और यही तो लड़ाई हम लड़ रहे थे। अच्छा, बहुत लोग तो ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि मैडम कहती थी कि जहां हैं वो वहां नहीं जाएं,
और फिर अब ये विरोधाभासी बात आ रही है सामने। चूंकि राजनीति कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ कहना वहाँ संभावनाओं का बहुत बड़ा दौर होता है। चूंकि जिस प्रकार से जो व्यवस्था को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, वो चाहे देश की सियासत हो या बिहार के सियासत, बहुत बड़ा एक नीड था, आवश्यकता था इस परिवार को एक साथ होकर के उस विरोधी व्यवस्था को रोकने के लिए। तो बिहार को कैसे व्यवस्थित बनाया जाएगा उस कड़ी मेहनत साहब हर वक्त काम करते आई हैं। सिवान मेरा कैसे सुंदर सिवान बनेगा उस कड़ी में उन्होंने हर वक्त एक सॉफ्ट कॉर्नर पे जा करके प्रयास किया है कि मेरा सिवान बेहतर सिवान बने। उसी कड़ी में हमको जैसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों परिवार एक साथ होकर के बिहार और सिवान को बेहतर सिवान बनाने में अगर एक कदम चलने का कार्य कर रही तो ये कोई गलत नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए। उन पुरानी बातों को छोड़ करके आगे भविष्य की राजनीति जो है वो उसको देखना चाहिए। निश्चित तौर पे भविष्य के रूप में बाबू ओसामा हैं और तेजस्वी यादव जी भविष्य के रूप में हैं और ये होना भी चाहिए कि मेरा बिहार कैसे बेहतर बिहार बने। साहब समर्थक से अलग हट करें, जब मुखिया देखा जाए तो अजय चौहान इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या हिना साहब का ये जो फैसला है वो फैसला बिल्कुल सही है और समाज के हित में है? सम्मान के नज़र से हम लोग देख रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हिना साहब का जो निर्णय आएगा, शुरू से ही हम कहते आए हम एक साधारण सिपाही हैं, हमारी आस्था हमारे नेता के रूप में हिना साहब हैं, थी हैं और कल भी रहेंगे और उनका जो फैसला है वो हम लोगों के लिए शराखों पे निर्णय आएगा। ये तो एक सिपाही होने के नाते आपका बयान है, लेकिन वो निर्णय का एक मापदंड भी होता है जिसमें रख के देखा जाए तो ना ये निर्णय बिल्कुल सही है। क्या उस नज़र से आपको लगा कि निर्णय बिल्कुल सही है? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही इसलिए है कि जो सपना साहब देखते थे, जो सपना अभी तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं कि बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, बिहार से पलायन को कैसे रोका जाएगा, बिहार विकसित बिहार कैसे बनेगा, बिहार शिक्षित बिहार कैसे बनेगा। बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर हैं, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने जो सम्मान उनको दिया है उस अनुरूप मुख्यमंत्री जी का भी व्यवस्था कार्य नहीं मिल पा रहा है। लोग इससे परेशान हैं, लोग व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में तेजस्वी यादव जी एक कदम आगे चल करके कि बिहार बेहतर बिहार बनेगा उस कड़ी में शहाबुद्दीन साहब का ताकत होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हिना साहब अगर लालू जी के साथ ताकत के साथ खड़ी है तो वह बेहतर है और बिहार मेरा बेहतर बिहार। अच्छा मुखिया जी, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों परिवार को जब नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में तब जाकर एहसास हुआ कि नहीं एक रहना चाहिए? हाँ, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोनों परिवार को ऐसा लगा ही है कि अगर एक साथ हम लोग रहते तो ताकत कुछ और रहता। कभी कभी उन चीज़ों को समझने का एक वक्त आता है और ये ऐसा लगा कि उस वक्त में समझा है लोग और जब समझा तभी कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, प्रशांत किशोर चंद्रसुराज जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है, अल्पसंख्यक समाज के अधिकार की बात कर रही है चंद्रसुराज, क्या लग रहा है कि कितना विश्वास होगा अल्पसंख्यक समाज को चंद्रसुराज पे? सम्मान के साथ प्रशांत किशोर जी जिस कार्य में लगे हुए हैं, हर आदमी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है कि अल्पसंख्यक की वकालत करेंगे, अति पिछड़ाओं की वकालत करेंगे तो पोलराइजेशन मेरे तरफ होगा, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन पूरा बिहार, हम पहले भी कहते थे आज भी कहते हैं, पूरा बिहार 99% अल्पसंख्यक शहाबुद्दीन साहब के विचारों में आस्था रखता है और उनका विचार, उनका सिद्धांत, उनका आइडियोलॉजी बाबू ओसामा है, हिना साहब है। तो हिना साहब और बाबू ओसामा को छोड़कर के अल्पसंख्यक हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार का कहीं 1% भी इधर उधर जाने वाला है। साथ ही साथ हम जैसे हिंदू समाज के लोग भी शहाबुद्दीन साहब का आइडियोलॉजी को मानता है, उस कड़ी में बाबू ओसामा और हिना साहब के साथ ताकत के साथ खड़ा है। तो पूरा बिहार 1% भी इधर उधर नहीं जा रहे हैं। जहाँ हिना साहब बाबू ओसामा रहेंगी वहाँ अल्पसंख्यक समाज रहेगा, वहाँ साहब के चाहने वाले साहबवादी हम जैसे लोग भी रहेंगे और ताकत भी रहेगा, इससे कहीं इनकार नहीं। ठीक है, 25 जो है वो दस्तक देने को तैयार है
और 25 चुनावी वर्ष भी है। बदली हुई जो परिस्थिति है बिहार की बात से इतर अगर हम सिवान की बात करें तो किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं? निश्चित तौर पर 25 में हम लोगों के आइकॉन के रूप में बाबू ओशामा है। हम लोग भी चाह रहे हैं बिहार के साथ साथ सिवान का नेतृत्व करें। अभिभावक स्वरूप हैना साहब का मार्गदर्शन मिलेगा और सिवान बाबू ओशामा के ताकत से फतह होगा और हम यहाँ से 8 सीट जीत करके और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाने में उनका अहम योगदान। इन दिनों सदस्यता अभियान राजद में चल रहा है तो इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हम शुरू में ही कह रहे हैं कि हमारे नेता के रूप में हैना साहब बाबू ओशामा है और जब वह लोग राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में कल बड़े आदर के साथ लालू जी और तेजस्वी यादव जी के सामने सदस्यता स्वीकार किया है तो एकदम 100% यह मान के चलिए कि हम जैसे सिपाही उनके साथ ताकत के साथ खड़ा है और उनके साथ हर वक्त कदम से कदम मिला करके चलेंगे और सदस्यता अभियान में जितना शक्ति हो सकता है हम जैसे साधारण से लोग पूरे सिवान में जा जा करके लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनाने का कार्य करेंगे, अपने नेता के आदेशों का अनुपालन करेंगे और उनके आदेशों के तहत सिवान में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत। राजद कितना मजबूत होगा, आप जिस मजबूती की बात कर रहे हैं, आप लोग की जो ताकत है, जो एक बाजू इधर से उधर हुआ था, अब दोनों बाजू का जो ताकत है, आप क्या लगता है जिले में किस तरह की राजनीतिक शक्ति मिलेगी राजद को? स्वाभाविक है कि दो ताकत जब एक साथ जुड़ेगा तो ताकत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह सिवान से मान के चला जाए कि 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा से महागठबंधन यहाँ से जीतेगी और आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का नेतृत्व करेंगे, बिहार विकसित बिहार बनेगा, बिहार मेरा शिक्षित बिहार बनेगा, यही ताकत रहेगा और इसी जुनून इसी उत्साह के साथ राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाही उसमें अजय चौहान भी उनके साथ झंडा लेकर के उनके हौसला को बुलंदी तक ले जाने का कार्य करेगा। अच्छा मुखिया जी, एक बात की चर्चाएं चल रही है कि आखिर में डील क्या हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्या कुछ बातें हुई है उसको अभी तक सामने नहीं किया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है, किस आधार पर मैडम घर वापसी की है? हम शुरू में भी हमने कहा था डील का एक ही क्राइटेरिया है जो हमको समझ में आ रहा है और डील का एक ही प्लेटफॉर्म है कि सिवान मेरा कैसे विकसित सिवान बनेगा, सिवान मेरा शिक्षित सिवान बनेगा और उसी कड़ी में बिहार मेरा कैसे मजबूत बिहार बनेगा। हर वक्त संवैधानिक अधिकार की बात हमने किया है, राष्ट्रीय जनता दल में वापसी के बाद उनके लोगों के अधिकार की बात होगा, उनके लोगों के संवैधानिक अधिकार की बात होगी, उनके लोगों की हिस्सेदारी की बात होगी और हैना साहब का भी अगर डील और बाबू ओशामा के भी डील के रूप में अगर आप देखिएगा और डील के रूप में ऐसा अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोगों का ओपिनियन है कि डील यही होगा, डील यही हुआ होगा कि उनके लोगों का संवैधानिक अधिकार मिलेगा, उनके लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, साहबवादियों का राजनीतिक हिस्सेदारी तय होगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हमारे लोगों की ताकत से हम सरकार में आए, हमारी बेहतर योजनाएं इस बिहार में लागू हो, हमारे अधिकार की बात हो और मैडम भी यही चाहती है। तो हमको जो लगता है कि डील का यही रूप होना चाहिए कि बिहार और सिवान में उनके लोगों का अधिकार कैसे मिले। चलिए, उन तमाम कार्यकर्ताओं से क्या अपील रहेगा जो लोग बिखर गए थे, इधर उधर चले गए थे? निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं कि अपने नेता के सम्मान में आस्था रखते हुए उनके ताकत को बढ़ाने के लिए आप सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही की फौलादी सिपाही के रूप में हम लोग कल से हुए हैं और अपने ताकत के साथ उस परिवार राष्ट्रीय जनता दल परिवार को ताकत देने का कार्य करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कार्य करेंगे, महागठबंधन के ताकत को मजबूत करने का हम सभी कार्य करेंगे। ठीक है, एक अंतिम सवाल रहेगा मेरी तरफ से, जिले में जो जो पहले पहले जो लोग एक साथ दिखते थे राजद के अंदर ही कुछ ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी दिखते हैं बातों से, क्या ये दिल मिल पाएंगे? देखिए, इन चीज़ों को समझना है, राष्ट्रीय जनता दल में अगर
कोई भी लीडर को विरोधाभासी है, अगर ऐसा लगता है कि दोनों के एक व्यवस्थाओं में एक दूसरे के प्रति विरोध है, जो आदमी अगर आप एक दूसरे से अगर विरोध का मिजाज बना कर रखता है, तो यह चीज़ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले ही अब जुड़े हुए हैं और सब लोगों का आस्था तेजस्वी यादव और लालू यादव में ही जुड़ा हुआ। तो शहाबुद्दीन साहब में जिस प्रकार से शहाबवादियों का आस्था था, वैसे ही बाबू ओसामा और हेना साहब का आस्था अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ कल से जुड़ा हुआ है, तो सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के हक में काम करेगा, हित में काम करेगा, और कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कहीं कोई आपस में मतभेद नहीं है, सब लोग एक परिवार के रूप में कल से परिवार का ताकत, परिवार का झंडा मजबूत करने का कार्य करेगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।